प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री कल्याण प्रचार प्रसार अभियान कार्यकर्ता घर घर जाकर देश एवं प्रदेश के सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी आज दिनांक 20 आठ 2020 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इसका शुभारंभ करेंगे। भोपाल से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार के लिए एक रात चलाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही जल कल्याण योजनाओं के बारे में प्रदेशवासियों को अवगत कराएगी। हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग आज यहाँ आए हैं, आपको पूछने का अधिकार है। जी सर, बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, आज मध्य प्रदेश की धरती पर जेलों की नगरी भोपाल में प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार माध्यम के संगठन के जरिए पूरे मध्य प्रदेश प्रदेश का कार्यालय कार्यवंत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और इस कार्यक्रम के जरिए आज मैं आप सब से बात कर रहा हूं। साथ साथ आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश के मतदान जिन लोगों को प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना के बारे में जो जानकारी कम है या नहीं है, उन लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम करने के लिए हमारे संगठन के जैन भाई द्वारा रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसको ग्रीन सिग्नल देने का मौका मुझे मिला है। मेरे साथ में मेरे राष्ट्रीय संगठक जय घोष जी महाराज भी हैं और मध्य प्रदेश प्रदेश के हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी रघुवंशी उपस्थित हैं और बड़े पायदान ज्यादा में ज्यादा नजदीक के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। जो गरीब तबके के लोग थे, अभी उनको लॉकडाउन जो हुआ था उन तक पैसा नहीं पहुंच पाया, उसके लिए क्या करेंगे आप? वहाँ त्रुटि रही है, जहाँ त्रुटि रही है वो हमारे ध्यान पर लाई जाएगी। हम सरकार के साथ परामर्श करेंगे, अधिकारियों के साथ परामर्श करेंगे और उनको ये लाभ मिले इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। इसमें जो जो फी है, योजना है, चार योजनाओं का वर्णन किया है, वो चारों योजना कई सालों से चल रही है लेकिन उसके बाद भी लोगों तक अभी तक लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कहीं भी त्रुटि रही है, हम पत्रकारों के जरिए आम जनता के जरिए उससे समझेंगे, समझने के बाद हम उसके लिए कार्यविंद होंगे। सर, मैं ये